हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कांजी महेश्वरी व्लॉग। दोस्तों आज हम काफ़ी दिनों के बाद एक राइड करने वाले हैं और हमारे साथ आज है हमारे भाती भाई, संजय भाई और नट्टू भाई और अपना कच्छ राइडर। काफ़ी सारे लोग हैं हमारे साथ आज राइड करेंगे। हम आज राइड करने वाले हैं आशापुरा टेकरी, तो चलो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली हम पहुंच गए हैं आशापुरा टेकरी और हमारे सब कच्छ राइडर ग्रुप सब आ गया है। ये देख सकते हो मेरे पीछे पूरा गाड़ी लाइन में लगा के रखा हुआ है और कुछ दोस्त लोग उधर भी है। और अभी हम ये माता जी का मंदिर है माँ आशापुरा, अंदर जाएंगे दर्शन करेंगे और आपको भी अंदर इस वीडियो में दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों अभी हम आपको भी इस वीडियो में दर्शन कराएंगे और हम भी दर्शन करेंगे, अंदर चलते हे माँ आशापुरा। Oh,
तो दोस्तों देख सकते हो ये है अपना माँ आशापुरा का मंदिर और बाजू में है शंकर भगवान का मंदिर। काफ़ी दोस्तों काफ़ी अच्छी जगह है और हिल स्टेशन के ऊपर है तो काफ़ी चारों तरफ से जो व्यू मिल रहा है ना एकदम मस्त है और काफ़ी नेचुरल और काफ़ी अच्छी जगह है। आप नहीं आए तो आ सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, देख सकते हो पूरा दिखाएंगे आपको चारों तरफ से, इस वीडियो में पूरा लोकेशन दिखाने की कोशिश करेंगे। संजय भाई इधर से दिखाइए, दोस्तों देख सकते हो काफी ऊंची चट्टान पार करने के बाद यहाँ पे पहुंचते हैं। दोस्तों देख सकते हो काफी ऊंची चट्टान है। संजय भाई वो पहले वो दिखाइए, पहले का रास्ता जो चल के आने से वो वाला रास्ता था, आपको दिख रहा होगा उधर से पगती है, उधर से चढ़ के इधर यहाँ से आ सकते थे, यहाँ से आ सकते थे, लेकिन वो आपको चढ़ के वो नीचे से ऊपर तक इधर चढ़ के आना पड़ता था। अभी काफ़ी अच्छा रास्ता बन गया है, पूरा घूम के ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा रास्ता बन गया है, पूरा घूम के ऐसे ऊपर आ सकते हो और माँ आशापुरा का दर्शन कर सकते हो। जय आशापुरा माँ, जय आशापुरा माँ। तो आप देख सकते हो हम इधर जाम्बू खाने के लिए आए हैं। अभी हमारे संजय भाई देख सकते हो जाम्बू तोड़ेंगे, जाम्बू का झाड़ है, जाम्बू का झाड़ है, हम जाम्बू खाएंगे। संजय भाई ऊपर देख सकते हो, नीचे ये हमने एक डॉक्टर से सलाह ली थी, वो इंस्टाग्राम डॉक्टर है, उसमें सलाह आती है कि जाम्बू खाने से जो पेट में जो कचरा है वो साफ हो जाता है। अभी बोलिए। हाँ अभी इंस्टाग्राम डॉक्टर से हमने सुना था कि जाम्बू खाने से पेट में जो कचरा होता है ना एकदम साफ हो जाता है। तो ऊपर से नहीं खाने का, नीचे वाले जाम्बू खाने के। कोई कोई जाम्बू खाता है, कोई कोई मीठा है खाता है, पाका भी है। हाँ तो लाल फ्रेश है ना? यस नेचुरल मीठा है, एक बदकिस्मत वाला है। ऊपर से तोड़ के नहीं खाने का भाई, पक्षी भी खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं। आज की राइड में है ना बहुत मेजर प्रॉब्लम मेरे को लगा, मैं आप लोगों को है ना हैंड सिग्नल्स के लिए दे रहा हूँ और ये अब उन लोगों के लिए जो काफी टाइम से राइड कर रहे हैं हमारे साथ बट स्टिल आर फकिंग अप। ठीक है, बहुत लोग फकअप कर रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ पर कर रहे हैं, तो फोकस करो इस चीज पे। मैं सबसे आगे चलता हूँ, मैं अपने जो भी सिग्नल्स देता हूँ। अब देखो एक इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि मेरे पीछे चलने वाला कोई कांस्टेंट बंदा नहीं है, वो बंदा हर बार बदल जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ कि किसकी ये आखिरी नहीं होगी, तो मेरे को भी पता चले कि मेरे पीछे कोई चल रहा है तो मैं कम्फर्टेबल रहूँ। अभी क्या हुआ है, मैं कुछ सिग्नल्स देता हूँ। अब जैसे मेरे पीछे आज आनंद वाघेला जो पहली बार राइड कर रहा है वो चल रहा था। ठीक है, कभी कोई और होता है, कभी कोई और होता है, तो कुछ सिग्नल्स हैं उनको है ना आपको फ्रंट से चालू होता है ना तो वो एंड तक वो सिग्नल्स पास होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सिग्नल्स जो अपन देते हैं, सिग्नल राइट के लिए ये, लेफ्ट के लिए ये तो काफ़ी है। दूसरा, ओवरटेक करते वक्त, खास करके क्योंकि अभी जाते वक्त सिंगल लेन वाला रास्ता है, ओवरटेक का सिग्नल ये सब ध्यान रखो। सारे सिग्नल्स जो सामने वाला पास कर रहा है ना, यू हैव टू पास इट टिल एंड। ठीक है,
ओवरटेक के टाइम पे ध्यान रखो, मैं सबसे आगे हूँ, मैं जा रहा हूँ तो मुझे पता है मैं जा सकता हूँ, मेरे पीछे शायद एक बंदा या दो बंदा जा सकता है, ठीक है। तो मैं गाड़ी के आगे निकल रहा हूँ, मेरे सामने गाड़ी है, मैंने देखा इधर दूसरी लेन से गाड़ी आ रही है, मैं ये इशारा कर रहा हूँ, उंगली नीचे है, हाथ खुला है, आपको इस साइड रहना है, आपको आना नहीं है। देखो सब सुनो, है ना, अपन लोग इतने अपन लोग सब इतने बड़े ऐसे ग्रुप में चल रहे हैं, मैं सिर्फ है ना एक ऐसा फोकस देना चाहता हूँ कि भाई तुम है ना 2 सेकंड गैप बना के रखो। 2 सेकंड गैप क्या है कि ऐसे अगर ऐसे मुकुल भाई है और उनके पीछे मैं हूँ, तो मुकुल भाई अगर सबसे आगे लीड कर रहे हैं तो मैं उनके पीछे इतना गैप बना के रखूं कि मेरे अगर मुकुल भाई के साथ अपन गामड़े से आ रहे हैं तो गामड़े में कोई ना कोई तो एक ऐसा अंकल बुढ़ा तो होगा ही जो बीच में आने वाला है, जो मुकुल भाई एकदम से ब्रेक लगाएंगे और मेरे पास उसमें कितना रिएक्शन टाइम है करके, कि मतलब ऐसे भले लोगों को 2 सेकंड भी नहीं हो रहा भाई, 5 सेकंड लग रहा है, दिमाग प्रोसेस होने में हैंग हो रखा है करके, तो भी कुछ नहीं, लेकिन सब ऐसे राइडर जो है ना अपने रिएक्शन टाइम के हिसाब से है ना गैप बना के चलना, ताकि है ना अगर आगे वाला ब्रेक लगावे तो भाई पीछे से वापस तुम नहीं घुस जाओ करके उसके अंदर, तुम है ना वापस ऐसे ब्रेक लगा सकोगे, ठीक है। ये सही में जरूरी इंस्ट्रक्शन था ये। तो दोस्तों देख सकते हो आज हम कच राइडर के साथ आशापुरा टेकरी आपने वीडियो में देखा ही, हम साथ में पूरा आज एंजॉय किया, और हमारे भाती भाई, संजय भाई, नट्टू भाई काफी लंबे समय लॉन्ग टाइम के बाद राइड पे आए हैं, साथ में राइड एक साथ में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं एक नई वीडियो में, नया कुछ दिखाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खाना टाटा बाय बाय, मिलेगा खाना, चिप्स के पैकेट लेना है, बाय बाय।